दान देने और लेने का पर्व को छेरछेरा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में पौष माह की पूर्णिमा तिथि को छेरछेरा का जो पर्व मनाया जाता है वे अलग अलग वर्ग के लोगों के द्वारा अलग अलग मान्यताओं के अंतर्गत मनाया जाता है। यहाँ के मूल निवासी वर्ग के लोग जो गोंडवाना या आदिवासी संस्कृति को जीते हैं, वे इसे पौष पूर्णिमा के अवसर पर घोटुल की शिक्षा में पारंगत हो जाने के पश्चात 3 दिनों का पर्व मनाते हैं। तर मुझे अपने साधना काल में इसके आध्यात्मिक स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके अनुसार ये पर्व महादेव द्वारा विवाह के पूर्व देवी पार्वती से परीक्षा लेने के निमित्त उनके घर जाकर भिक्षा मांगने के प्रतीक स्वरूप मनाया जाने वाला पर्व है। आप सभी को यह ज्ञात है कि पार्वती से विवाह पूर्व भोलेनाथ ने कई किस्म की परीक्षाएं ली थीं। उनमें से एक परीक्षा ये भी थी कि वे नट बनकर नाचते गाते पार्वती के निवास पर भिक्षा मांगने गए थे और स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे थे ताकि पार्वती शिव से विवाह करने के लिए इनकार कर दें। छत्तीसगढ़ में जो छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है उसमें भी लोग नट बनकर नाचते गाते हुए भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में तो अब नट बनकर नाचते गाते हुए भिक्षा मांगने जाने का चलन कम हो गया है, लेकिन यहाँ के बस्तर क्षेत्र में अभी यह प्रथा बहुत आयत में देखी जा सकती है। वहाँ बिना नट बने इस दिन कोई भी व्यक्ति भिक्षाटन नहीं करता। ज्ञात रहे इस दिन यहाँ के बड़े छोटे सभी लोग भिक्षाटन करते हैं और इसे किसी भी प्रकार से छोटी नजरों से नहीं देखा जाता, अपितु इसे पर्व के रूप में देखा और माना जाता है और लोग बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर दान देते हैं। इस दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी घर से खाली हाथ नहीं जाता, लोग आपस में ही दान लेते और देते हैं। इस छेरछेरा पर्व के कारण यहाँ के कई गांवों में कई जन कल्याण के कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। हम लोग जब मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे गुरुजी पूरे स्कूल के बच्चों को बैंड बाजा के साथ गांव में भिक्षाटन करवाते थे और उससे जो धन प्राप्त होता था उससे बच्चों के खेलने के लिए और व्यायाम से संबंधित तमाम सामग्रियां लेते थे। मुझे स्मरण है हमारे गांव में कलाकारों की एक टोली थी जो इस दिन पूरे रो में होती थी। मांदर ढोलक और झांझ मंजीरा लिए जब नाचते गाते डंडा के ताल साथ कुकी पाते। लोक नृत्य में ये एक शैली है, ताल के साथ मुंह से आवाज निकालने की, इसे ही कुकी पारना कहते हैं। ये टोली निकलती थी तो लोग उन्हें दान देने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते थे, उस टोली को अपने यहाँ आने का अनुरोध करते थे। छेरछेरा का असली रूप और असली मजा ऐसा ही होता था जो अब कम ही देखने को मिलता है। ज्ञात रहे कि छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति जिसे मैं आदि धर्म कहता हूँ वे सृष्टि काल की संस्कृति है। युग निर्धारण की दृष्टि से कहें तो सतयुग की संस्कृति है जिसे उसके मूल रूप में लोगों को समझाने के लिए हमें फिर से प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ के मूल धर्म और संस्कृति को अन्य प्रदेशों से लाए गए ग्रंथों और संस्कृति के साथ घालमेल कर लिखने और हमारी मूल पहचान को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, सतयुग की ये गौरवशाली संस्कृति आज की तारीख में केवल छत्तीसगढ़ में ही जीवित रह गई है, उसे भी गलत सलत व्याख्याओं के साथ जोड़कर भ्रमित किया जा रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरे से इसके मूल रूप में पूर्ण प्रचारित करने के सत प्रयास में आप सब सहभागी बनें।